गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुबह सुबह 4 बजे जग गए थे, लाइन चली गई थी, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आती जाती रह रही है। ब्रश कर लिए, फ्रेश हो लिए, अब हम लोग नाश्ता कर रहे हैं। नाश्ता में घर का जो वेजिटेबल्स है, मैंने घर में आंगन में उगाया हुआ है, उसी का पकौड़ा बना के खिला रहे हैं। आज का रेट है 4 सितंबर 2022, और आज मैं बलिया से कलकत्ता जाऊंगा। शाम को मेरी ट्रेन है। ये हमारा गांव है। ये है गांव का खेत, लहलहाते मक्के की खेती चारों तरफ, मक्का लगा हुआ अभी पेड़ में। रोड खराब है भाई, रोड ये बहुत दिन से बनने को है, पर हमको नहीं लगता कोई इस पर ध्यान दे रहा है। ये मुख्य मार्ग है, ये सड़क है जो हम लोग को हल्दी सहतवार मुख्य मार्ग से जोड़ती है। तो अगर किसी को हल्दी जाना हो, हल्दी इस साइड में जो आपको एकदम कॉर्नर में दिखेगा वो हल्दी है। हल्दी मेन ढाला से 3 किलोमीटर पड़ता है, और ये मोटा मोटी एक किलोमीटर का स्ट्रेच है। लेकिन रास्ता ख़राब होने की वजह से हम लोग ये रास्ता चूज नहीं करते हैं, और गाड़ी लेके पश्चिम साइड से जाते हैं। पश्चिम का रास्ता ठीक है, ये पूर्व का रास्ता है। हमको लगता है ये 15-20 साल हो गया इसको बने हुए, कम से कम। उसके बाद कभी इसको कुछ कार्य नहीं हुआ। तो अगर कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन से हमारा वीडियो देख रहा है, चूँकि ये गांव मंत्री जी का गांव है, स्वर्गीय श्री विक्रमादित्य पांडे जी का, तो ऐसा तो कुछ हम लोग नहीं गलती किए हैं कि आप लोग ध्यान न दें। शुक्ला जी भी, आनंद स्वरूप शुक्ला जी आए भी थे, गांव का दशा देख के भी गए। काम बहुत हुआ है, लेकिन ये एक जमीनी कार्य है जिसको होना चाहिए। तो आग्रह यही है एडमिनिस्ट्रेशन से कि इस रोड को बनवाया जाए, इस रोड की मरम्मत कराई जाए, बहुत ज़रूरी है। गांव से निकलने के बाद हम लोग का एक छोटा ढाला है। छोटका ढाला के जस्ट बगल में एक बस्ती बसी हुई है, इसका नाम शांति नगर रखा है लोग। काफ़ी लंबा चौड़ा हो गया आज के डेट में अगर इसको आप देखें तो, लेकिन फिर भी यहाँ के लोगों के लिए रोड की व्यवस्था नहीं है। तो ये थोड़ा सा देखना चाहिए, क्योंकि तो बहुत लोग इस रोड का यूज़ करेंगे, बहुत लोग, अच्छी खासी आबादी इस रोड का यूज़ करेगी। हमारे पीछे से ही वाहन कोई आ रहा है, ये हमारे बाबा हैं, यहाँ जा रहे हैं मंदिर में पूजा करने के लिए। रोज पूजा करते हैं बाबा, धन्य हो इनका प्रण कि इतना कठिन रास्ता में सुबह में और रात को 8 बज जाए 9 बज जाए रोज आते हैं भाई। यहाँ के महकमों से हाथ जोड़ के विनती है, इसको ठीक करिए।
यहीं के लोग हैं जो आपको यहाँ पे सरताज बना के रखे हुए हैं, यहीं के लोग, और यहाँ के लोग खुश रहेंगे तो आप भी खुश रहेंगे। जब बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, इस साइड में, इस साइड में और इस साइड में दोनों पानी भर जाते हैं, कुछ नहीं दिखेगा आपको मोटा मोटा, क्योंकि काफ़ी खाल था। अब तो खैर ये खेती से काफ़ी भर गया है। पहले जब मैं पढ़ा करता था, क्लास 3, 4, 5, 6 तक मैं यहीं पढ़ा हूँ, तो जब हम लोग स्कूल जाते थे बारिश के दिनों में यही रास्ता हुआ था और ये पूरा भर जाता था पानी से, और जैसे ही गर्मी आती थी ये सूख जाता था, तो वहाँ से हम लोग तिरकट रास्ता लेके सीधे गांव पहुँचते थे। बाबा बताते हैं कि मैंने खेती की ज़मीन पर हजारों लाखों घर बन रहे हैं, धीरे धीरे खेती की ज़मीन कम हो जाएगी, खेती की ज़मीन कम हो जाएगी, इससे क्या नुकसान होगा, नुकसान होगा भाई, खाएंगे कहाँ से। और नई नई फार्मिंग की तकनीक भी आ रही है जिसमें आपको खेत की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू सेम होगा कि नहीं होगा वो उसका क्या पता। पहले लोग 100 साल, 110 साल, 20 साल जीत जाते थे, जिंदा रहते थे बिना किसी रोग और व्याधि के। आज एवरेज है जी 60 बरस हो गई है, 60 के बाद अगर आप जीते हैं तो आपका वो बोनस है, लेकिन वो बोनस को जीने के लिए भी आपको धन चाहिए। तो जो 60 के ऊपर जीना चाहता है उसके लिए व्यवस्था करें, क्योंकि जो ये छोटी फैमिली का कंसेप्ट हो गया है, न्यूक्लियर फैमिली, हम दो, हमारे दो बड़े हुए तो फिर वो अलग हो गए, माँ बाप को कौन रखेगा कोई नहीं जानता है। तो ये सब केसेस में माँ बाप एक टाइम के बाद लगता है कि भाई वो अकेले हो गए हैं, और खेती की ज़मीन भी इस तरह से निकल गई तब तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये है हमारा बड़का ढाला, ये वृक्ष देख रहे हो, ये जब हम जाते थे स्कूल क्लास 3 में तब से यहीं पर है, ये कुआं भी। और हमको याद है कि जब हम लोग छोटे थे तो किसी की हिम्मत क्या कि 8 बजे यहाँ पर चला है, असंभव, 8 बजे आ जाए तो राम राम जपते हुए घर जाता था, लेकिन समय बदला, अब तो रात भर लोग जाते हैं आते हैं, बस हरते ये रोड ठीक हो। अब आइए मैं आपको दिखाता हूँ हल्दी सहतवार मार्ग, ये मुख्य मार्ग है जो हल्दी और सहतवार दो इम्पोर्टेंट लोकेशंस को जोड़ता है। रोड को कंक्रीटाइज किया गया है, लेकिन बेवकूफ़ी ऐसी है जिसकी कोई सीमा नहीं है, यदि काफ़ी तो यहाँ भरा गया है, नहीं तो रोड की लेंथ बहुत ही अपर्याप्त है, दो साइड से गाड़ी आ जाए तो एक साइड को नीचे उतरना ही पड़ेगा। और ये जो आप भरा हुआ देख रहे हैं ना, ये अब भरा हुआ है, पहले नहीं था। और गांव का आनंद यही है भाई, एक जगह बैठ के एक दूसरे का बात कर सकते हैं, एक दूसरे की फीलिंग्स को शेयर कर सकते हैं, शहर में कहाँ मिलेगा। ये हनुमान जी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है जिसकी सेवा बाबा जी सुबह शाम अनवरत करते रहते हैं। हनुमान जी इनके ऊपर मैं बहुत आशीर्वाद दिया और करते रहे आगे भी। आइए अंदर दूसरे साइड से आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे। बस पहले हमारे पुरखे यहाँ आए थे, कहाँ से आए थे उसके लिए एक मेरा चैता का वीडियो है, उसको देखिएगा तो आपको समझ में आएगा, हम लोग अपने ओरिजिन पे गए थे। और यहाँ पे मैं एक वृक्ष आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये जो वृक्ष है सबसे ऊंचा वृक्ष है, नीम का वृक्ष है, और ये आज नहीं, मैं जब से बड़ा मतलब छोटा था, पैदा हुआ तब से इसको देख रहा हूँ, और ये ऐसा का ऐसा ही है। हाँ, इसका थोड़ा यहाँ पे एरिया कम हो गया अभी, नहीं तो पहले बहुत ही मैंने बड़ा टापू टाइप का दिखता था। और बाबा से आज हम लोग पूछेंगे कि 400-500 बरस पहले यहाँ पे कौन आया, क्या आया, तो पहले बाबा पूजा कर लें। अरे भाई, हमने का बैठ की यहाँ पे बाबा काका लोग बैठ के बात कर रहा था, रोबा सब नहीं यहाँ मैंने काम वम करे घास का, लेकिन ये देखो मतलब
एक जगह है जहाँ पे आके आप बैठ सकते हो, अपना दुख सुख बांट सकते हो, अपने जीवन में क्या चल रहा है, समाज में क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है, उसकी बातचीत कर सकते हो। ये चीज़ अपने को शहर में नहीं मिलेगा। अरे देखो पेड़ कितना विशाल, यहाँ पे कोई लाइट पंखा की जरूरत नहीं है, प्रकृति ही सब कुछ है। तो बाबा बहादुर के जनेरा छोड़ के घास काट लिया लो, पाता चल के जनेरो काट के बांध के चल गई। तो फ्रेंड्स, जैसा मैं आपको बताया कि हम लोग का इतिहास 500 साल से ऊपर का है, जब हम लोग के पूर्वज आए थे यहाँ पे, तो वहां से हम लोग चल के हैं। हरसु ब्रह्म की खानदान से हम लोग बिलोंग करते हैं। तो दूसर डी है, दूसरा राज्य के शेरो राज के डी है, आज के डी है 1000 वर्ष पहले के डी है। अच्छा, ये तब का तो एजा हमने कैसे नहीं जा, एजा कहाँ है नहीं जा, एजा हमने को कहा बसले नहीं जा, बस दफा बात है उनका नहीं के गांव है ना, तेरे पूरा पहले रहनी जानो हमने के। अच्छा, वो नवन रहनी जाए। हां रे, पूरा तेरे से कौन लिंक बहादुर पंडा इला जाना कि बहादुरपुर ना, बहादुरपुर गांव बा, तो हमने के पूर्वज के नाम पर बहादुर पंडा के नाम पर बा, बहादुरपुर, बहादुरपुर बा ना, बलिया बलिया बा, अरे भाई कहा बहादुरपुर भाई, कहा बहादुरपुर भाई, बस्तिया सारवा सरवा रेपुरा तो है ना बोलू जी। अरे रेपुरा है बा भाई। अच्छा भाई, रेपुरा है नीरूपुर का अथी के लगे सुजानीपुर, रेपुरा, अच्छा सरकापुर कुल एक साइड में बा। अच्छा, ई चेरो राजा के बढ़ रहा है, ई चेरो राज के ई दी है, ई पर तो साथ रहत रहा, बहुत भारी गांव रहा भाई। अच्छा, 1000 वर्ष पहले के आधा एन का कुछ दिन पकड़ ले लिया बाकी। हल्दी का राजा भी तो पास में रहले हैं, हल्दी का राजा ही जैसे खेत दे लेनी लूटपाट। अच्छा, मैंने हल्दी का राजा इन्हीं के खेत दिले, फिर हमने के जब ऐसे नहीं जोगा, हमने के बहादुरपुर से वो लोग जाकर बाबू लोग कहा लोग के ऐसा था कि रोगा सब पंडित बानी, हमने को पुरोहित बानी, तरुआ सब ऐसा चल जाए तो झगड़ा वगड़ा मान ले को पुरोहित से हुई तो ठीक नहीं खेन तो सावा सभी कहा कि एगो टुकड़ा रहे ऐजा लिखे दिहल लो, तो मैं बसल पुरोखा और बाद कुल दुनिया भर के खेत कह लिया लो। हम तो ठीक मान लेते नहीं, तो जो तालाब वाला करे के पूछत रहे वो जमाना में सुनने के पहले लाठी के बल पर खेत कब जिया जात रहा जी, जतना पहले जोत ले के उरा है ने लोग पहले ही रहले लाठी के बल पर, तो भाई तो ओवर का रहे है माला कि बहादुर बाबा पंडा आइले तो धीरे धीरे बढ़ावत बढ़ावत ओकरा बाद तो शाखा फूटल माला कि शिवा बाबा, धोनी बाबा, विष्णु बाबा, जुड़ा बाबा, ये कुल लड़का भैले लोग उनकर ओकरा बाद यही तरह बढ़त बढ़त पूरा गांव हो गए। एमे से कतना लोग जैसे कि बहादुरपुर में रह गए हमने के खानदान के कुछ लोग हुई जे आ फिर उनका कहला, अरे हमने के खानदान के बहुत लोग बड़े भाई, पांच भाई रहले हर्षु बाबा, एक एको भाई थोड़े रहले। अच्छा, पांच भाई रहले मैं तो और लोग वो जा समाधि ले ले अलग अलग जगह बोल लो, और लोग कुल चार भाई है ना उन्हें चल गए लोग हमने के बाबा आ गए यही जा जेकर जहाँ स्थान मिलल वहाँ चल गए। अरे हमने के जो हल जाओ तो बहुत आदमी बड़े ठेकान बा, लेकिन जैसे हम लोग गणना लगाने एज के हिसाब से जो हमने के खुशनामा बा जोन रो कहानी है जो पाँच गो वसुधा बाबा का लड़का रहे तो वो लोग के हिसाब से हमारा लागल कि 500 बरिस पहले वसुधा बाबा के मैंने रहे कि हाँ मैंने वहाँ के मोटा मोटी बानी है, मैंने हमने के जब गिन के आए कि 500 बरिस पहले हमने के एजा धरोहर चालू हो जोन हमने के डीह बाबा नहीं जाए 1428 में ओजा से पलायन कर दिया लो हमने के खानदान के लोग 1428 में बाबा ओजा भभुआ से भभुआ से। अच्छा, 1428 की घटना है, सन 1428 ओ घड़ी मैंने एजा हल्दी नरेश एजा हई चेरो नरेश कुल रह लो मोटा मोटा ओ घड़ी होलो ना होलो ओके पहले हूँ कई इतिहास हो सकल आई चेरो जरूर हुई आज के दी है थोड़े। चलिए ठीक, तो मोटा मोटी जैसा बाबा बताओ तरह कि करीब करीब जब हमने का आयल आदमी भगुआ से तो पहले रेपुरा में रहल, रेपुरा के आसपास बहादुरगढ़ जैसे बाबा बतौले हैं, ओकरा बाद ई डीह पर भइल। हम बचपन से मैंने बड़का डीह छोटका डीह देखा नहीं, अगर हम कहें कि रोड रास्ता तो 400 बरिस पहले ना हुई, बिल्कुल ना हुई, कुछ ना रहे हो रोड ना रहे, गंगा जी का पहाड़ है या हो तो या पता ना बारिश वरिश जो बाढ़ उड़िया हो गंगा जी का छाड़ा ना ई देना भाई अयो देने हो कब ओके। हां तो मैंने भाई देन है ओ घरी मान ओ घरी तो मैंने और तबाह हो तो आदमी मैंने कैसे अरे बाढ़ भयंकर बाढ़ सन सन 62 के बाढ़ में केहू बाचल ना रहे। भयंकर बाढ़ रहे सन 62 में बाढ़ आई रहे। हां बहुत भयंकर बाढ़ सन 62 में 62 में तो रोड बनिए गए रहे ना अभी ना कंप्लीट भई रहे।
सन 62 में बाढ़ भयंकर आई रहे, सन 42 में बाढ़ भयंकर आई रहे। हमारे घर में क्यों क्यों दे दो। अच्छा हरदी एक बेटी रहले और जब बिहार रहले है दाल साहब के जन घर में वहाँ के मैंने घर और हमने का अब तो पता ना कहा चल रहे बचपन में देख रही लेकिन अब जर जर हो गई तो हाल हो गए बाप घर बनवा देता लड़का पेंटर नहीं की आइल तीन दिन में साफ। अच्छा माय बोर भी चल जाए अब जब पानी हुई तब फिर हम जैसे क्या बोआ कर रहा कोदो बोआई रोहर बोआई बोआई यही कहू खेती होते रहा लेकिन बढ़िया के बाद कोदौआ हो जाते रहा। हाँ कहे की नया माटी आ जाते रही है खूब कोदो लागत रहा है यही के खेती रहा है नया माटी आ जाते रहे बहुत गड़ा रहा है ये बहुत गड्ढा था दोस्तों अभी तो चलो बहुत भर गया मेन वाला हो। हाँ वाला सिंहकुड़ा वाला रास्ता चलता रहा खूब जब उन्हें से दू कहले कि माघ महीना के दिन रहे कहले कि चली भाई मेरी कल सल भाई निमी है पानी हो गए चल के पर से चूली पतैया हेतर हेतर है हेतर रहा है हेतर रहा है हेतर एक गाल खैल से चार पलाटन एक बीघा गिरे लेले नकलेली धैले है निमिया के गछिया। अच्छा अच्छा मैं कहे लो कि मैंने धन उन होई वाह वाह बहुत धन बहुत धन बा अब था धन बा आ मिली थोड़ा कहो के मिली ना भेटल हो जान हमन के आंखी के देख प्रयास हो कोई ना में उम्र का हुई भरी उम्र 10-15 वर्ष नहीं कुछ तो हमने के बचपन में सुन लेने कब हम देखले नहीं थे ना ना ये डिहवा पर बहरिया में का कर चलो समझ देखो आ धोबी धोव तो ने से आ छो आ बे ई तो बरसतिया होला तभी ये धोवेला। हां माने वो कब को धोबी मर गई ह धोवेला दिन में ना ना रात में आप भूख भूकवा जब किरण डूब जाई नु फट चले है वो जोर हो जाई ना अब कहा है भूख भूकवा तो खत्म हो गया जोनी होनी के बदल गई ये तो लोग हाथ लग बुड़वा में पानी में डूब गया बुड़वा ना मैंने वो कैसे मैंने अरे वो रास्ता बदल दे रास्ता भूलवा दी हंस लोग के वो तारा जाए के बहाने के लिया के चल दे से होने तारा के बेची ना करे से तारा के गुदुराई के हंसाई के मुआ दे। अच्छा मैंने भूत रहला है एक प्रकार के जंतु रहला बहुत तेल ना जैसे वही देखी कुछ कुछ कीड़ा बना सा रतिया का भूख भूकाला सा मैंने कुछ अलग रहा है आदमी लेखा रहा आदमी लेखा तू देख ला बाबा ना हम ना हमारा जमाना में ना रहा एक पैसा जमाना में देखला अही राम के बोली जूते में से पाकी छोड़ा हो जाए कहानी अनु के जाय बोलो तो चप्पल पहन ले बोलो तो जूता बन जाए ओकर एग्जांपल भाई। तो चलो अब घर वापस चलते हैं बहुत बढ़िया लगा यहाँ पे सबसे मिलके सभी लोगों ने अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और जैसे बताया कि ऐसा ऐसा है लेकिन वास्तव में किसी ने कभी कोई घटना देखी नहीं सिर्फ सुनी है मैंने भी सुनी है ऐसे आपको बताया यहाँ पे गागर घूमते थे नागर घूमते थे वो नीम का गाछ कोई टच नहीं कर सकता टच करेगा तो उसके साथ कुछ हो जाएगा पर जो भी हो ये सब हम लोगों ने सुना है कभी कोई देखा नहीं है। वाह
भूतिया पेड़। देखो दो हैं, दो हैं, एक इधर है एक इधर है। भुट्टे का पेड़ है और भुट्टा इसमें ये लगा हुआ। अच्छा तो जिम्मेदारी तो है ऊपर का। अच्छा वाह, सेबरा का सुबेरा करती हो गई। अच्छा जब हाँ तो ईश्वर कहाँ जा रहे हो, जैसे घर में आते हैं तो घंटी बजाते हैं पहले। वाह वाह, ये देखो हमारे गांव की काली माँ का मंदिर है। ये माँ की सात मूर्तियाँ हैं, पिंडियाँ हैं। वैसे जाएंगे आप कहीं भी तो माँ को पिंडी के रूप में ही सब जगह पूजा होता है, जितने भी सिद्ध जगह हैं। ये जामुन का पेड़ है दोस्तों, ब्लैक जामुन, काफी बड़ा। बचपन की एक और निशानी, ये पीपल का पेड़। ये पीपल का पेड़ तब भी था जब हम लोग पढ़ते थे छोटे छोटे, अब भी है। सिर्फ अंतर क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। ये पीपल का पेड़ के यहाँ से ना, ये जो आपका गड्ढा है ऐसा नहीं था पहले, ये तालाब था उस साइड में, इतना ऊंचा नहीं था, उस साइड में खेत था। और जब पानी कम हो जाता था तब हम लोग यहाँ से हेल के जाते थे पढ़ने के लिए। और सब बताएं सब बढ़िया कोई नहीं, हम परसों जांच का पका करें। ना ना जांच ना, मैंने मान लिया गांव के बहुत लोग बाहर रहा, हमने को मन कर गांव देखे गए तो छोटे छोटे वीडियो डाले तो हम वीडियो बना के डालेंगे ताकि लोग ठीक ठाक लगे। अरुण भैया बड़े हैं कि अच्छा अरुआ बड़े हैं, एक बार अरुण भैया, एक बार बहुत छोटका भैया जो दिल्ली रहने, वो तो ढेर छोटे बहुत ज्यादा। सब बढ़िया बनो ना, इधर निकला छुट्टी हमने निकाल, बीच में एक दो दिन मौका मिल रहा तो चले नहीं है ठीक बा। अब हम लोग अपने गांव अपने घर में जा रहे हैं। ये मेन गली है और पूर्व से पश्चिम को जोड़ती है, यह बोली हल्दी सांतवार और नीरपुर भी कहीं मार्ग को जोड़ती है। तो फ्रेंड्स सब निकल रहे हैं कलकत्ता के लिए, सबको अच्छा लगा, मम्मी पापा को भी अच्छा लगा सरप्राइज, पता नहीं था कि मैं आ रहा हूँ, तो देख के सभी को अच्छा लगेगा। तो चलिए अब बैक टू कलकत्ता, आपको रिटर्न जर्नी दिखाते हैं। तो घर से जल्दी निकल कर बलिया आया, बलिया आने जल्दी आने का रीज़न ये था कि मुझे अपना भगना से मिलना था, क्योंकि लास्ट डे उनसे मिल नहीं पाया था, बट तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई तो कोई वीडियो नहीं बना। इस भाई की वजह से मुझे ये विंडो सीट मिला है कार में, तो अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है। मैं बस यही वीडियो शूट कर रहा हूँ, आपको अपनी जर्नी में ले चलता हूँ, बट तबीयत बहुत ख़राब है भाई। वेलकम टू बक्सर रेलवे स्टेशन। बक्सर रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं और टाइम हो रहा है इस वक्त 7:10,
एक्चुअल ट्रेन का टाइम है 7:35 और भारत लगभग काफ़ी ट्रेनें लेट चल रही हैं, बट उस तरह के लेट नहीं है जिस तरह से पहले चलती थी। मोटा मोटी ठीक ठाक टाइम से चल रही है। मेरी ट्रेन आधे घंटा डिले से आ रही है, आधे घंटा कोई बहुत बड़ा डिले नहीं होता है। ट्रेन हमारी हावड़ा अमृतसर मेल 1006 डाउन। तो दोस्तों रात को नींद बहुत अच्छी आई, प्रदीप ने जो दवाई दी थी वो उसने काम भी किया, मैं आराम से सो गया, मेरे को कोई तकलीफ नहीं हुआ और रात में कुछ दिखाने लायक नहीं था तो मैंने सोना ही पसंद किया। और अभी ट्रेन जस्ट बर्दवान इंटर करने वाली है। ऑल इन ऑल ट्रिप अच्छा रहा, आगे चलते हैं। और ट्रेन विभूति एक्सप्रेस और दानापुर एक्सप्रेस दोनों को पीछे करते हुए सीधे निकल रही है आगे। ये टिकिया बड़ा नया ब्रिज जो बन रहा है उसका ही पिलर है। 7:23 अपने समय से 7 मिनट पहले ट्रेन प्लेटफॉर्म में आई है। प्लेटफॉर्म नंबर 18 में हम लोग घुसे हैं, न्यू कॉम्प्लेक्स। अच्छा है ट्रेन अपने टाइम पे आ गई, घर भी अपने टाइम पे पहुंचेंगे और हो सकता है सही रहा शरीर तो ऑफिस भी टाइम पे पहुंच गए। अरे अरे आई एम गुड, आई एम गुड, हाउ आर यू? कैसा रहा आपका ट्रिप? विभूति से नहीं आए? ना, 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 ना। वो आगे आई थी बक्सर में, उसको रात को ही पीछे कर दिया। चलो बढ़िया लगा भैया, सब लोग जाते टाइम भी मिले थे। और अंकल से निकल के अब घर जा रहा हूँ। तो गाइस अब मैं घर पहुंच गया हूँ। मेरा ये छोटा पुलकित है। पुलकित कैसा लग रहा है? पापा वापस आ गया तो कुछ नहीं आया, अब ट्रेन चले गए थे। ट्रेन चले गए थे तो हम आ गए तो अच्छा नहीं लगा? लगा है। हाँ। फिर हम चले जाएं? नहीं। हाँ? नहीं। पक्का? हाँ। तो गाइस हम घर पहुंच गए हैं और यहाँ पे मेरा ट्रैवल का एंड होता है। इस ट्रैवल का अगला ट्रैवल भी बहुत जल्दी ही शुरू होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, कीप वॉचिंग माई चैनल, सब्सक्राइब एंड लाइक, प्रोवाइड योर कमेंट्स ऑल्सो। आपको क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा कमेंट करके बताइए, और अगर कुछ मैं इन्हेंस कर सकता हूँ अपने वीडियोज़ में तो भी बताइए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।